श्रीफल न्यूज परिवार की प्रस्तुति श्रीफल न्यूज। ज्ञान और रोशनी का प्रतीक है दीपक। दीपक का महत्व है विशिष्ट। पूजा में सबसे अहम है दीपक जलाना। दीपक का महत्व शास्त्र ही नहीं विज्ञान भी मानता है। तमसो मा ज्योतिर्गमया का अर्थ है अंधकार से उजाले की ओर प्रस्थान करना। ज्योतिष के अनुसार दीपक सकारात्मकता का प्रतीक। वास्तु के अनुसार घी से प्रज्वलित दीपक अनेक फायदों से पूरित। घर में घी का दीपक जलाने से वास्तु दोष होता है दूर। नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा लाता है दीपक। प्रदूषण को भी कम करता है दीपक। जब हम किसी देवता का पूजन करते हैं तो सामान्यतः दीपक जलाते हैं। दीपक किसी भी पूजा का महत्वपूर्ण अंग है। हमारे मस्तिष्क में सामान्यतया घी अथवा तेल का दीपक जलाने की बात आती है और हम जलाते हैं। जब हम धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भिन्न भिन्न देवी देवताओं की साधना अथवा सिद्धि के मार्ग पर चलते हैं तो दीपक का महत्व विशिष्ट हो जाता है। दीपक कैसा हो, उसमें कितनी बत्तियां हो, इसका भी एक विशेष महत्व है। उसमें जलने वाला तेल व घी किस किस प्रकार का हो, इसका भी विशेष महत्व है। पूजा में ध्यान देने योग्य बातों में से ही एक है दीपक जलाते समय नियमों का पालन करना। पूजा में सबसे अहम है दीपक जलाना। इसके बिना पूजा का आगे बढ़ना कठिन है। पूजा के दौरान और उसके बाद भी कई घंटों तक दीपक जलते रहना शुभ माना जाता है। यह दीपक रोशनी प्रदान करता है। रोशनी से संबंधित शास्त्रों में एक पंक्ति उल्लेखनीय है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर मा अमृतम गमय। उपरोक्त पंक्ति में दिए गए तमसो मा ज्योतिर्गमया का अर्थ है अंधकार से उजाले की ओर प्रस्थान करना। आध्यात्मिक पहलू से दीपक ही मनुष्य को अंधकार के जंजाल से उजाले की किरण की ओर ले जाता है। घी का दीपक जलाना है सात्विक। पूजन में पंचामृत का बहुत महत्व है। गाय का घी पंचामृत में से एक। शारीरिक चक्रों से संबंध है घी का। दीपक को जलाने के लिए तिल का तेल या फिर घी का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु शास्त्रों में दीपक जलाने के लिए खास तौर से घी का उपयोग करने को ही तवज्जो दी जाती है, जिसका एक कारण है घी का पवित्रता से संबंध। घी के अलावा तिल का तेल से दीपक जलाया जाता है। पूजा के समय घी का दीपक उपयोग करने का एक और आध्यात्मिक कारण है। शास्त्रों के अनुसार यह माना गया है कि पूजन में पंचामृत का बहुत महत्व है और घी उन्हीं पंचामृत में से एक माना गया है, इसीलिए घी का दीपक जलाया जाता है। शास्त्रों में दीपक जलाने के लिए तेल से ज्यादा घी को सात्विक माना गया है। दोनों ही पदार्थों से दीपक को जलाने के बाद वातावरण में सात्विक तरंगों की उत्पत्ति होती है, लेकिन तेल की तुलना में घी का वातावरण को पवित्र रखने में ज्यादा सहायक माना जाता है। दीपक को घी से ही जलाने के पीछे मानवीय शारीरिक चक्रों का भी महत्व है। ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर में 7 चक्रों का समावेश होता है। यह 7 चक्र शरीर में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। यह चक्र मनुष्य के तन मन एवं मस्तिष्क को नियंत्रित करते हैं। तिल के तेल का दीपक भी है पवित्र, बुझने के बाद भी असर देता है लाभ। कहते हैं कि यदि तिल का तेल के उपयोग से दीपक जलाया जाए तो उससे उत्पन्न होने वाली तरंगे दीपक के बुझने के आधे घंटे बाद तक वातावरण को पवित्र बनाए रखती है, लेकिन घी वाला दीपक बुझने के बाद भी करीब 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक अपनी सात्विक ऊर्जा को बनाए रखता है। दीपक जलाने के वैज्ञानिक कारण, गाय के घी में रोगाणुओं को भगाने की क्षमता, प्रदूषण को भी करता है कम। दीपक जलाने के लिए घी का उपयोग करने के पीछे केवल शास्त्र ही नहीं विज्ञान भी जोर देता है। शास्त्रीय विज्ञान में अहम माने जाने वाले वास्तु शास्त्र विज्ञान के अनुसार घी से प्रज्वलित किया हुआ दीपक अनेक फायदों से पूरित होता है। ज्योतिष के अनुसार दीपक को सकारात्मकता का प्रतीक व दरिद्रता को दूर करने वाला माना जाता है। कहते हैं कि गाय के घी में रोगाणुओं को भगाने की क्षमता होती है। ये घी जब दीपक की सहायता से अग्नि के संपर्क में आता है तो वातावरण को पवित्र बना देता है। इसके जरिए प्रदूषण दूर होता है। इसी तरह के गुण तिल के तेल में भी पाए जाते हैं। यह भी ऑक्सीजन की वृद्धि करता है। माना जाता है कि दीपक जलाने से पूरे घर को फायदा मिलता है। चाहे उस घर का कोई व्यक्ति पूजा में सम्मिलित हो या ना हो, उसे भी इस ऊर्जा का लाभ प्राप्त होता है।
श्रीफल न्यूज के लिए राखी जैन की रिपोर्ट।